आदाब बच्चों, क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ चाहे ट्रॉपिक टूर्नामेंट, आज हम आइडेंटिटी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर। ये आइडेंटिटी है, ये हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन इस तरह आएगा, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ज्योमेट्रिकली वायर थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आपके पास तीन आइडेंटिटी हैं, एक है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। पहला है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसके लिए आपको क्या करना है, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगुलर ट्रायंगल। आपको राइट एंगुलर ट्रायंगल बनानी है एट बी किसी जगह, ठीक है। मैंने बी पर लिया, तो यहाँ पर आपको राइट ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल ट्रायंगल गए ट्रायंगल या मतलब आख एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है, बी है, ये मान के चले ए बी और सी। यहाँ पर मैं इसको रखूँगा थीटा। तो ये हाइपोटेन्यूस है ए सी, बी सी है इस वक्त बेस, ए बी है परपेंडिकुलर क्योंकि थीटा ये है। तो पहले हमें इसमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आप यहां पर क्या करेंगे, हम यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पी वाई टी एच ए जी ओ आर ए एस पैथागोरस थ्योरम, आप थ्योरम इस्तेमाल करनी है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ट्रायंगल शक्ल की तरफ देखो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, जब आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है वन के बराबर है, उस वक्त आपको ट्रायंगल लेनी है और ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस है उस वक्त उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पर इस वक्त हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा dividing both sides by AC का square। तो यहाँ आएगा AC का square बटा AC का square is equal to AB का square बटा AC का square, ठीक है, plus BC का square बटा AC का square, ठीक है। ए सी स्क्वायर वन जा ए सी स्क्वायर वन जा यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर वन निकलेगा इज इक्वल टू यहाँ ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। ये मैं ऐसे लिखूँगा ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर में एक ही रखूँगा, प्लस बी सी बटा ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वही जो मैंने आपको पहले बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, आपको फिर यहाँ से याद रखना है। अब देखो वन इज इक्वल टू ए बी बटा ए सी, ए बी शक्ल की तरफ, ए बी बटा ए सी, ये है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। कौन आता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, साइन किस एंगल पर, इस पर वो साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर से क्या है स्क्वायर, प्लस बी सी शक्ल की तरफ, बी सी बटा ए सी, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, बेस बटा हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखूंगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही हो गया वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम ये लिखेंगे, हमने प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये आपके पास आइडेंटिटी हो गई। अब इस आइडेंटिटी से हम फार्मूले और भी निकाल सकते हैं, लेकिन किस तरह, ये आपको जनरल आइडेंटिटी आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अगर आपको कल आएगा क्वेश्चन बताइए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 वन के बराबर होगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू, ये हर थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम अगर हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम इस तरह लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला निकली इधर से। अगर हमें कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा,
मैं लिखूंगा 1 माइनस आई एम स्क्वायर, क्योंकि ये जो 8 एक्सरसाइज 8.4 जो आने वाली उसमें यही फार्मूले, इसी में फार्मूले निकाल, यहाँ पर और हम फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या 1 का स्क्वायर 1, वो 1 का स्क्वायर मैं लिखूंगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी फार्मूला बनेगी। इसी तरह इसकी भी यही फार्मूला बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी फार्मूला आएगी जो आपको जरूरत आएगी। तो यहाँ पर आपने प्रूव किया है, प्रूव दैट ज्योमेट्रिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। ये था पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।